मारता मारता तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या है 41 और 42। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज हम दोनों पाठों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, एक ही बहुमूल्य शब्द पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, वो है सुनना। सुनना एक सद्गुण माना गया है। मेरा अपना अनुभव है, शायद आप लोगों का भी अनुभव हो सकता है, हम में से अधिकांश लोग बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं। हम चाहते हैं कि हम केवल बोले और दूसरी मेरी बात सुने। यदि हम अधिकार में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं पे हो, सब कोई मेरी बात को सुने, और कम ही लोग हैं जो दूसरों को सुनना चाहते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, पहला पाठ पर एक नजर डालें, किस प्रकार नबी योना निनिवे के लोगों को प्रभु का संदेश सुनाने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में निनिवे के लोग पापों में डूबे हुए थे, वो सीमा पार कर चुके थे पाप का। अतः ईश्वर चाहते थे 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश कर दिया जाएगा। वह नबी योना ईश्वर का वाणी बनकर उन सबों को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं, पश्चाताप करो, परहेज करो और तपस्या करो, तभी आप बच जाएंगे। जी हां, सुनने का प्रतिफल यह है, जीवन अपनाना। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें भी कभी दूसरों की बातों को सुनना चाहिए जो सही है, शायद उसमें हमें जीवन मिलेगा, नयापन मिलेगा। ये ना सोचें हमारी बातों को दूसरों सुने, हम दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी ना कहीं कोई ना कोई अच्छी बात हमें सुनाना चाहता है। सुसमाचार में देखिएगा, दो बहनों को हमारे सामने रखा है, मरियम और मार्था। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुन रहे थे, और मार्था सेवा सत्कार में लगी हुई थी। दोनों बातें जरूरी है। सच्चाई यह है, जिंदगी में किसी काम से हमें छुटकारा नहीं है, किसी काम से हम भाग नहीं ले सकते हैं, किसी काम से हम दूर नहीं जा सकते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो काम हमारे सामने आ ही जाएगा। क्यों ना हम सबसे पहले हमारी अंतरात्मा की आवाज सुने, शायद उसमें दीन दुखियों, रोगी, भूखे, बेरोजगारी, उनकी दुख बातें कुछ क्षणों को हम सुने, बैठकर उन्हें समझाने के लिए कोशिश करें। प्रिय भाइयों तथा बहनों, यह परिणाम वह होगा, प्रभु हम में निवास करेंगे और दूसरों के चिंताओं को हमारे चिंता मानकर हम उन्हें सांत्वना दे सकते हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर ने सही कहा है, एक क्षण मुझे अपने पास बैठने का अवकाश दे दे, एक क्षण मुझे अपने पास बैठने का अवकाश दे दे, मेरे हाथों के काम मैं बाद में निपटा लूंगा, मेरे हाथों के काम मैं बाद में निपटा लूंगा। कितना अच्छी पंक्तियां प्रिय भाता बहनों, कोशिश करिएगा दूसरों को सुनने के लिए ना कि सुनाने के लिए, इसके लिए कृपा मांगे। आमीन।